सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान में पाचन तंत्र पढ़ेंगे। अध्याय उसी का ही 80 संस्थान का पाठ 3 यूनिट 1 से आगे है कि पाचन तंत्र मानव शरीर एक इंजन के समान, जैसे इंजन को चलाने के लिए कोयला पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इंजन को चलाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता शरीर रूपी को होती है। शरीर को हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकताएं, शरीर को क्रियात्मक बनाना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, हृदय और मस्तिष्क की समस्याओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित करता है, शरीर की वृद्धि कोशिकाओं का सेल का निर्माण करता है। इसलिए हमें शरीर रूपी चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया पोषण एक पद है जो साथ ही उपापचय क्रिया की उपापचय क्रिया भी है। पाचन स्थान के अंतर्गत पाचन अंगों एवं उनके कार्यों को ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र की परिभाषा है, पाचन एक भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है जिसमें एंजाइम द्वारा घुलनशील भोजन को घुलनशील में बदला जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे उपरोक्त कार्य में कौन कौन से अंग ग्रंथियां भाग लेती हैं। जैसे आहार नाल की बनावट, आहार नाल लंबी और खोखली नली जैसे होती है। यह नली लचीली स्नायु से बनी होती है, मुंह से गुदा द्वार तक जाती है। यह नली कहीं पर सकरी और कहीं पर चौड़ी रहती है। इसके निम्नलिखित अंग हैं, मुख, कृषिका या गला, अन्य नलिका, ओसोफेगस, अमाशय, स्टमक, पक्वाशय, ड्यूओडेनम, छोटी आंत आदि, और बड़ी आंत गुदा द्वार। अब हम देखेंगे कि इसके चित्र में स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या बताया है। जैसे ये बताया है कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं, दांत, भोजन नली, अमाशय, ये पूरा चित्र में बताया है। इसको आपको ड्रॉ करना है कॉपी में। शरीर में भोजन का प्रवेश सर्वप्रथम मुख मार्ग से होता है। इसमें पाचन क्रिया के कई अंग सहायक होते हैं, जैसे जीभ, होंठ आदि और दांत भी शामिल है। ठंडे गर्म के लिए हमको होंठ ज्ञान कराते हैं। जैसे भोजन मुँह में जाता है, ओठ मुंह को बंद कर देते जैसे भोजन बाहर, जिससे कि नहीं गिरता है। अब ये देखेंगे हम कि मुख गुहा की आंतरिक रचना, ओठ ऊपर का ओठ बना हुआ है, अधिजिहा अंदर की जीभ आदि दिख रही है। जो ये गल ग्रंथियां, गले की ग्रंथियां छोटी छोटी जो पाई जाती हैं डॉट्स, वो ही हमारी गले की ग्रंथियां छोटी छोटी होती हैं, जो मुँह के अंदर की ओर फनल के आकार की ग्रसिका गुहा या गले में खुलता है। गले के दोनों ओर गल ग्रंथियां होती है। मुंह के दोनों ओर लार पैदा करने वाली लार ग्रंथियां होती हैं। ये हमारे मुख गुहा की रचना है। अब है दांत। दोनों जबड़ों के किनारों पर सफेद विभिन्न आकार के दांत होते हैं। दांत चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं। दांतों के अभाव में चेहरा पोपला लगता है। जैसे ये दांत की रचना बताइए कि दांतों की रचना में दिया है जड़, धड़, गर्दन और क्राउन, नेक आदि। ठंडी के ये दांत में टुड्डी में दांत का भाग जो होता है वह धसा होता है, उसे जड़ या रूट कहते हैं। जो भाग में मसूड़ा रहता है उसे गर्दन, जो दांत का भाग दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। दांत का भीतरी भाग हिस्सा जो होता है वो खोखला होता है, और ये दांत एक प्रकार का कड़े पदार्थ से बना होता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं। दांत की चोटी पर स्वच्छ सफेद पदार्थ चढ़ा रहता है। फिर आगे इसकी रचना देखेंगे हम कि ये दांत कितने प्रकार के बताए। दूध के दांत, स्थायी दांत, भेदक दांत, फिर ये श्रेयक दांत, अग्रचर्वण दांत, चवर्ण आदि। अब है दांतों के प्रकार के बारे में कि कृतक या छेदक। अगले चार दांत भोजन को काटने कुतरने में होते हैं जिन्हें हम कृतक कहते हैं, कृतक दंत होते हैं। फिर है भेदक दांत जो नुकीले और नुकीले लंबे लंबे रदन कहते हैं, इनकी नोक तेज होती है। अग्रचर्वणक दांत दोनों तरफ रदनों के आसपास छोटी छोटी डाढ़ें होती हैं, जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं। निचले जबड़े में देखेंगे आप कि निचले जबड़े में आपका ये पास पास तीन बड़ी बड़ी डाढ़ हैं। चवर्ण होती है, यही खाने को बारीक पीसते दाढ़ों की जड़ें दो या दो से अधिक भागों से मिलकर बनती हैं, और ये दाढ़ें भोजन को चबाने में मदद करती है।
चवर्ण 18 वर्ष के बाद उगती है, इसलिए इसे बुद्धि की दाढ़ भी कहते हैं। अब है जीभ, टंग। पाचन संस्था में जीभ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे भोजन का स्वाद का ज्ञान कराता है। रचना है जीभ लचीले स्नायु से बनी हुई होती है। यह मुख गुहा में निचले जबड़े के बीच स्थित होती है और तीन ओर से स्वच्छंद है तथा पीछे की ओर जिह्वा स्नायु द्वारा बंधी रहती है। जीभ का अंतर त्वचा का आवरण भी होती है। इसके निचले भाग की अंतरस्थ त्वचा चिकनी और गुलगुली होती है। प्रत्येक अंकुर के बीच स्वाद ज्ञान के नाड़ी तंतु प्रविष्ट होते हैं और ये तीन भाग के अंकुरों के तीन भाग पाए जाते हैं, जैसे सरकम, वलेट, पेपली या बड़े अंकुर। इसकी संख्या लगभग 10-12 होती है। फंजीफा, पेपली यह मध्यम आकृति के अंकुर होते हैं जो संख्या में अधिक होते हैं, हल्के रंग के दिखाई देते हैं। ये अंकुर जीभ के किनारे और सामने की छोर पर प्रमुख पाए, आम्ले स्वाद का ज्ञान तीव्रता होती है इनमें। अब है फिलिपॉम, पेपली। जैसा आप ये जीभ की रचना में देख रहे हैं, मध्यम अंकुर यानी ये छोटे छोटे डार्क ब्लैक स्पॉट, छोटे अंकुर वाइट है जो, फिर बड़े अंकुर जो यहाँ पर बड़े बड़े गोल गोल हैं। छोटे अंकुर ही संख्या में सबसे अधिक होते हैं, जीभ के पृष्ठभाग पर पंक्तियों में स्थित होते हैं, किनारे किनारे जैसा हम देख रहे हैं। रचना में स्वाद ज्ञान के समय इनमें रहने वाली स्वाद कलिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, तभी तो हमें नमक और मिर्च का स्वाद आता है कि हम क्या खा रहे हैं, या मीठा है या नमकीन है। जीभ के कार्य, भोजन चबाए जाने की में मदद करता है, भोजन को मसल कर उलट पुलट कर महीनतम बनाता है, भोजन में लार की मिलने के सहायक होते हैं, भोजन निगलने की क्रिया में सहयोग देते हैं, भोजन विभिन्न स्वादों का ज्ञान कराता है, अंतस्थ त्वचा को गीला बनाए रखता है, बोलने में सहायक होती है जीभ हमारी। लार उत्पादक ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथि सेलिवरम ग्लैंड, मुंह में दोनों तरफ तीन तीन लार ग्रंथियां होती हैं। इनमें से एक कान के पास गाल पैरोटिक, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये बनी हुई है कान के पास, ये बनी हुई कान के पास ये देख रहे हैं हम। फिर ये दूसरा सब मैस्टिकली ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे होती है, जैसा कि ये जिह्वा के पास बताई गई है। फिर इसके पास केश वाहिनियाँ भी होती हैं और रस केश वाहिनियाँ भी होती हैं। फिर लार पानी जैसी पतली होती है, इसी से मुँह गीला होता है, ये बोलने और चबाने में मदद करती। छारी अल्कलाइन होता है, इसमें अलावा भोजन को गीला करने और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने की रस बना देते हैं। इसके कार्य हैं लार में टाइलिन।